रतलाम में यूरिया को लेकर अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। बता दें कि सर्वर बंद होने से किसानों को यूरिया नहीं मिला है। नियम के तहत यूरिया के लिए पावती दिखाकर थंब इम्प्रेशन लगवाकर यूरिया दिया जाना था, लेकिन सर्वर बंद होने के चलते थंब इम्प्रेशन नहीं लग पाया है और किसान 3-3 घंटे लाइन में खड़े हैं। बता दें कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसानों को 3-3 दिन तक लाइन में लगना पड़ता है। वहीं मामले की जानकारी ग्रामीण विधायक को लगी तो वो यूरिया सेंटर पर किसानों की समस्या सुनने पहुंचे और किसानों की समस्या से किसानों ने विधायक को अवगत करवाया है। ग्रामीण विधायक दिलीप मकबाना तत्काल यूरिया वितरण केंद्र से अधिकारियों को फोन लगाया और आनन फानन में तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तत्काल यहाँ पे आया हूँ खाद वितरण केंद्र पे और यहाँ आके देखा तो किसानों की लंबी लाइन है और सर्वर डाउन वजह से कहीं ना कहीं समस्या निश्चित आ रही है। लेकिन यहाँ कलेक्टर साहब से बात करी मैंने और रेडियो साहब से बात करी और संबंधित और भी अधिकारियों से बात करके एक ऐसा रास्ता निकाला है कि भाई किसानों के आधार कार्ड पावती यहाँ जमा हो जाए, किसान यहाँ परेशान ना हो। अभी सर्वर डाउन है तो जैसे सर्वर चालू होगा तो उनके थंब वगैरह लगा लिए जाएंगे।